इसमें लिख दो आशीष बाबू आशीष इसमें बाबू आशीष लिख दो बाबू आशीष पागल आदमी छ बाबू आशीष हाथ का दब बाबू आशीष साइड মেহেন্দিতে লেখো নাম সে নাম মুছে যাবে হৃদয়ে লেখো নাম সে নাম রয়ে মেহেন্দিতে লেখো নাম সে নাম তো উঠে যাবে যেদিন হোক তারপর লাইনটা বল হৃদয়ে তো কত কাল আগে সেই বিয়েড সেই বিয়েড সেই কাকু থেকে মেশো বাবা দেখা গেল আমি এমনি বলছি সবাইকে শোনো কালকে কিন্তু জলদি জলদি চলে আসবে হ্যাঁ খুব মজা করবো আমি কিন্তু একা থাকবো দুটোকে বিশ্বাস নেই দুটোকে না হেসে না দেয় দিদি তুই কাঁদছিস করে বোকার মতো হেসে দেবে পরে কথা হবে আবার আমি হাতে লাগিয়ে করবো বিয়ে করবো হ্যাঁ বেশ
আছি চন্দ্রা চি গা নও রাই মাছি নও সাচি নও সাচি গা আপসারা সাশি ইন্দ্রা চি ইন্দ্রা চি গা Go.
अज सजया है वे सारा शहर, अज हो गई आवे रब दी महर। हाय सजया है वे सारा शहर, अज हो गई आवे रब दी महर।
Okay, rolling and action. Mehdi, our best actor. He used to sleep whole night. And जब हम लोग पढ़ते रहते थे एक हफ्ते पहले एग्जाम देना होता था हम लोग को ये जो है साला एक पांच मिनट पहले पढ़ के एक घंटे पहले एग्जाम से पहले पढ़ता था और he used to talk. So, मतलब ये है बंदा है आदि का दान है यार. लेकिन हाँ मेहंदी इज द वन पर्सन ऑलवेज ट्रस्ट. जिसे कोई ट्वेल्थ स्टैंडर्ड नहीं है लेकिन जो सिंगल स्टैंडर्ड है वो भी बहुत बुरा है बात ये है. बट ही इज ऑलवेज वेरी नाइस पर्सन बट ऑलवेज लेट. आज भी है तो 1 बजे उठने की आदत शायद अभी भी नहीं गई है और 5:30 से 6:30 हो गया. वी आर लेट ऑलरेडी. ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर लाइफ. खुशियां तो चढ़िया आज बेला वे सारे आने नचना सारे आने गाना वे चढ़िया अज वेला वे सारे आने नचना सारे आने गाना वे सजना है मैं भी सवरना है आज दिन चढ़िया तेरे नाम दावे सखिया ने सजना है मैं भी सवरना है आज दिन चढ़िया तेरे नाम दावे दिल नहीं लगता है भी आके तू ले जावे मैं तेरे इंतजार च तक दिया राह अखियां चो डिगदे हंजू खुशियां दे तेरी बन जाना आज तो सजना वे अखियां चो डिगदे हंजू खुशियां दे तेरी बन जाना आज तो सजना खुशियां दा चढ़िया आज वेला वे सारे आने नचना सारे आने गाना वे खुशियां दा चढ़िया आज वेला वे सारे आने नचना सारे आने गाना वे चढ़िया अज बेला वे सारे आने नचना सारे आने गाना वे. बंधन गे मुटियारा आईया बटोला बनके कन्ना दे विच पिपल पत्तियां बाही चूड़ा खनके बंधन के मुटियाराया पटोला बनके कन्ना दे विच पिपल पत्तियां बाही चूड़ा खनके मेरे सोनिया सोनिया वे वे माई मेरा किते नहीं ओ दिल लगना मेरे सोनिया सोनिया वे माई मेरा किते नहीं ओ दिल लगना जावी छोड़ के ना
तेरे नाल रहना वे तू शिंगार मेरा तू है माई गहना वे जावी छोड़ के ना तेरे नाल रहना वे तू शिंगार मेरा तू है माई गहना वे है दूरी है वैरी जिन्ना तू मेरा उन्नी मैं तेरी मेरे सोने सोने आवे वे माई मेरा कितने नहीं ओ दिल लगना मेरे सोने आवे वे माई मेरा कितने नहीं ओ दिल लगना मेरे सोने आवे वे माई मेरा कितने नहीं ओ दिल लगना वे माई मेरा कितने नहीं ओ दिल लगना वे माई मेरा कितने नहीं ओ दिल चाहूं मैं तू ही तो सब कुछ मेरा और ना कुछ जानूं मैं दिल की सदा सुन ले जरा बेखबर सजदे दिल तुझे करता है सलामियां अर्जियां सुन ले दिल की अर्जियां चुनू मेरे संग संग बस चले तू जो भी सपने मैं बुनू ओ मेरी सब राहें है तू चाहे जो भी मैं चुनू मेरे संग संग बस चले तू जो भी सपने मैं बुनू प्यार तेरा है बेखबर बेसबर सजदे दिल तुझे करता है सलामियां अर्जियां अर्जियां सुन ले दिल की अर्जियां 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 सुन ले दिल की अर्जियां
या तेरा नाम छुपा लूं या छोड़ के सारी आग मैं बैराग उठा लूं बस एक रहे मेरा काम इश्क मेरा काम
मिला हूँ अब जो तुमसे है दिल को मेरे कसम से सुकून मिला सुकून मिला तुझे है पाया रब से है दिल को मेरे कसम से सुकून मिला सुकून मिला हर पल हंसी सा हुआ है सांसों को तूने छुआ है बड़ी तुझसे नजदीकियां सुकून मिला सुकून मिला मिला हूँ अब जो तुमसे है दिल को मेरे कसम से सुकून मिला सुकून मिला Gracias.
দাদার পছন্দ ঠিক আছে, দেন আমি ভাবির সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেছি, কথা বলেছি, আমার খুব ভালো লেগেছে। আমার সাইড থেকে আমি কনভিন্স করার চেষ্টা করেছিলাম বাড়িতে, তারপরে যা হয় সব কিছু হয়েছে। দেন দাদার সঙ্গেও কথা বলেছি, দাদা অ্যাকচুয়ালি আমার আলটিমেট ডেস্টিনেশন। কোনো প্রোগ্রামে আমি কিছু পড়লে দাদা সবসময় সাপোর্টিভ থাকে। আর ভাবি তো কী বলবো, সবই খুব ভালো লেগেছে আমার। দেন ম্যামের সঙ্গে আমার বিশেষভাবে পরিচিত হলো, সাহেব যখন ফার্স্ট পোস্টিং হয়ে আসেন 2019 সালের 26-27 ফেব্রুয়ারি। তারপরে আমি 7 দিন পর স্যারের সঙ্গে অ্যাটেন্ড হই, অ্যাজ এ ড্রাইভার হিসাবে আমি স্যারের কাছে ছিলাম। তারপরে 14 এপ্রিল স্যার আমাকে বলেন, 12 এপ্রিল স্যার আমাকে বলেন দিল্লি যেতে হবে। ফার্স্ট আমি এক পথে রাজি হয়েছিলাম, তারপরে আমি বেরিয়েছিলাম দিল্লির উদ্দেশ্যে। সেখানে ফার্স্ট 2-3 দিনের রিটার্ন করেছিলাম ম্যাডামকে নিয়ে মালদাকে সুস্থভাবে সেফলি। তারপর সেখান থেকে ম্যামের সঙ্গে পরিচয় দিল্লিতে। ফার্স্ট টাইম ম্যাম তো খুব ভয় হয়েছিলো যে কেমন হবে, কী বলবে না বলবে, জাস্ট প্রথম প্রথম একটু আলাদাই ফিল হয়েছিলো। তারপরে ম্যাম যখন মিশলো আমাদের সঙ্গে, আমার সঙ্গে, তখন বুঝতে পারলাম যে ম্যাম আলাদাই, মানে ম্যাম তো মানে কোনো সময় ফিল করতে দেয়নি যে উনি ম্যাম বা আর কিছু, সবসময় বন্ধুর মতো কেয়ার করেছেন এবং খোঁজখবর নিয়ে, মানে সবসময় কোনো সময় ফিল করতেই দেয়নি আমাদের যে আমি সাহেবরা ড্রাইভার হিসাবে আছি বা কিছু। সবসময় সাহেব যেমন কেয়ার করেছেন, ম্যাম কেয়ার করেছেন, এখন পর্যন্ত সেম ভালোবাসা, সেম কেয়ার করেন। ব্যাস।